नमस्कार दोस्तों, आर्य डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। इस तरह देखिए, इसे कट कर लिया है तरल कपड़े दोनों पर। तो यह लंबाई इसकी 13.5 इंच है, तो 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है। पूरी लंबाई इसकी 14.5 इंच ली है। शोल्डर इसका 5.5 इंच, आर्म सवा 6 इंच, 6 इंच 2 पॉइंट, डीप गले का ये डिजाइन है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे। घेरा इसकी 10 इंच लेंगे। इस तरह गले का सेप दे देना है। यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ लिया है। अब ये निशान दूसरी साइड भी बना लेंगे। गले की कटिंग सिलाई लगाने की बात करेंगे। अब देखिए, इस तरह से अस्तर को कपड़े की सीधी साइड में रख लेना है, और जहाँ से गले का निशान बनाया है वहीं से नीचे के साइड में भी लगा देंगे। तो अब इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद पूरे गले पर कट लगाना है। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, सीधा कर लिया है। अब गले पर सिलाई लगा देना है। तेरा देखिए, सिलाई लगा दी है, गला तैयार हो गया है। तो देखिए, इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से और ये भी सीधा कपड़ा कट कर लेना है, लेकिन ये तिरछे कपड़े पर कट करना है। इस तरह से जैसे पाइपिंग के लिए कट करते हैं, उसी तरह से ये कपड़ा कट करना है। देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है, 1 इंच की तैयार में बनानी है। अब देखिए, इस तरह मोड़कर इस पर सिलाई लगाना है। अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। अब देखिए, इस पर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह देखिए, इस पर प्रेस कर दिया है, और इसी साइज की एक और ले लेना है। अब देखिए, इस तरह से इसको लगाना है। गले के नीचे की साइड में यहाँ से इसको सेट करना है। तो इस तरह देखिए लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखेंगे। बीच में गैप नहीं देना है, इस तरह बराबर से रख लेना है। इस तरह से बनाते हुए 2-2 इंच की दूरी पर सिलाई इस पर डालेंगे। तो इस तरह से आप नाप भी सकते हैं।
तो इस तरह से नाप का निशान भी बना सकते हैं। और फिर निशान बनाने के बाद इस पर सिलाई इस तरह से लगाना है। तो इस तरह देखिए बराबर दूरी पर, दो दो इंच की दूरी पर इस तरह सिलाई लगा दी है दोनों पर। तो देखिए थोड़ा सा इसे ढीला ही रखना है, बिल्कुल टाइट से खींच कर नहीं लगाना है। अब देखिए ब्लाउज का बाहर डालेंगे, इस तरह से इसको लगाना है। तो इस तरह देखिए इसे लगा दिया है, दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा लेना है। तो इस तरह देखिए दूसरी साइड भी लगा दिया है, अब नीचे की साइड में भी लगा लेना है। तो इस तरह देखिए नीचे की साइड में भी लगा दिया है, अभी डिजाइनों को बनाना है। दोनों साइड में इस तरह से पकड़ के धागे को टाइट से इस तरह बांध देना है। उसके बाद इस पर एक मोती लगा देंगे। इसी तरह से सारी डिजाइन बनानी है। तो इसी तरह से पूरी बना लेना है। तो इस तरह देखिए पूरी डिजाइन को बना दिया है। तो अब ये डिजाइन बनके तैयार है। गले पर डोरी लगा देंगे। तो अगर डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।